हरियाणा के हिसार के विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि केंद्र व प्रदेश की सरकार पूरी तरह किसानों को समर्पित पार्टी है। प्रदर्शनकारी किसान भी हमारे अपने हैं और उनके लिए सरकार के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। किसानों की सभी आशंकाओं को दूर करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। वे आज बुधवार को स्थानीय लोक निर्माण विश्राम गृह में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री के हाथों में किसानों के हित पूरी तरह से सुरक्षित हैं। तीनों कानून किसानों के हित में हैं और सुधार के इन कानूनों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया जाना चाहिए, क्योंकि पुराने कानूनों से किसानों का भला नहीं हो सकता और देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता था। डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि खेती को लाभप्रद बनाने और किसानों की आय दोगुनी करने के लिए केंद्र की सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है। इस दिशा में 4 महत्वपूर्ण उपाय देश में किसानों के हित में उठाए गए हैं। इनके तहत कृषि उत्पादन बढ़ाने, उत्पादन की लागत कम करने, मिट्टी की जांच और अनुकूल खाद जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इसी प्रकार से कृषि उपज के ज्यादा दाम दिलाने तथा प्राकृतिक आपदा या अन्य स्थिति में उपज के नुकसान में किसान को पर्याप्त आर्थिक सहायता देना है। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानूनों में सरकार का सबसे महत्वपूर्ण प्रयास ये है कि किसानों को प्रतिस्पर्धी मूल्य मिले। कुल मिलाकर सरकार का लक्ष्य है कि किसान प्रतिस्पर्धा में पूरी तरह सक्षम बन सके। इसी दिशा में किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की राशि देने की किसान सम्मान निधि तथा फसल बीमा जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को भी सरकार ने अपने कार्यकाल में लागू करके दिखाया है। ऐसे निर्णयों से किसानों की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हो रहा है। विधायक ने कहा कि सच्चाई ये है कि कांग्रेस व अन्य विरोधी पार्टियों के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। यदि किसानों को देश के किसी भी हिस्से में ज्यादा दामों पर फसल बेचने की आजादी मिले तो इसमें नुकसान कुछ भी नहीं है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में भी विपक्षी दल भ्रम फैला रहा है, जबकि सरकार ये स्पष्ट कर चुकी है कि एमएसपी किसी भी सूरत में समाप्त नहीं होगा। नहीं, देखिए, ये आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है कि हमारा अच्छा काम होते हुए भी, और वो एजिटेशन इतना लंबा हो गया, तो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी उनसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं और बातचीत कई दौर में हुई भी है। वो एक बात कहते थे कि एमएसपी की हमें एश्योरेंस दे दो, वो हमने एश्योरेंस भी दे दी, लेकिन किसी बात में कई दफ़ा जिद में आकर ये कहना कि तीनों कानून वापस लो, अब ये थोड़ी समस्या है, आ रही है। इसमें हमारी तरफ से पूरा प्रयास है। आज भी नरेंद्र मोदी जी का भी बयान आया है कि 24 घंटे वो बातचीत करने के लिए तैयार है। आपको मैं बताऊं, विधानसभा में भी ये इशू जब आया और इसके ऊपर डिस्कशन शुरू हुई तो हमारे जो विपक्षी मित्र थे उन्होंने डिस्कशन करना मुनासिब नहीं समझा। आदरणीय हुड्डा साहब केवल 10-15 मिनट बोलकर और फिर वो शोर मचाकर और विधानसभा को छोड़कर चले गए। मतलब हमने कहा चर्चा करो भाई, चर्चा करने के लिए तैयार नहीं। या तो आप हमें समझा दीजिए कि किस तरह से किसान का नुकसान है, और जब वो लोग सत्ता में थे तो वो भी शायद इसको करना चाहते थे, लेकिन आज क्योंकि वो विपक्ष में है तो इसलिए बिना कारण दिए वो इस का विरोध कर रहे हैं। गुप्ता जी, आपकी सहयोगी पार्टी है जसपा, उसकी विधायक ही नहीं समझ पाई अभी तक, वो एक विरोध में खड़े हैं। नहीं, मैं जो विषय मैंने आपको रखा इसमें वो समझ पाए या नहीं समझ पाए, क्या है क्या नहीं, मैं उस विषय पर तो नहीं जाऊंगा। आप मुझे ये बताइए, अगर आपके मन में कोई शंका है कि ये कानून ठीक नहीं है तो उसका तो समाधान मैं यहाँ बातों से करने का प्रयास करूँगा। अब वो कोई समझ नहीं पाया या जानबूझकर समझ नहीं पा रहा, उसका हम चर्चा तो कैसे करेंगे, यानी कि जानबूझकर समझ नहीं पा रहे, क्या पता क्या कह सकते हैं। मैं जो आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि जो पहले नियम था
कि हम आपकी फसल, अच्छा आप कंपैरिजन कीजिए कि उनके सत्ता में कितना माल एमएसपी पर खरीदा जाता था। आज हरियाणा पूरे देश में नंबर वन है जो सबसे ज़्यादा माल और एमएसपी पर खरीद करता है, और सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ फसल वो भी हरियाणा करता है। और फिर जो हम वो उनको कहते हैं कि जी बाहर एमएसपी नहीं मिलेगी, हम ये कहते हैं कि बाहर अगर आपको एमएसपी नहीं मिलेगी तो आप मंडियों में तो एमएसपी पे आपका सामान गवर्नमेंट लेने के लिए तैयार ही है, आप मंडी में भेज दो। आपको जो बाहर की बात करने के लिए जबरन हम नहीं कर रहे कि भी आप बाहर बेचो ही, आप कॉन्ट्रैक्ट करो ही। अगर आपको उतनी क्षमता आपके अंदर नहीं है, आप अपने आप को अगर उभारना नहीं चाहते, आपको व्यापार करने से, आपको फैक्ट्री लगाने से, आपको और ज़्यादा प्रोडक्शन करने से अगर डर लगता है, तो आपके लिए जो पिछला विकल्प है वो तो खुला है ही, आप उसी में रहो। देखिए आप कोई भी आप फैक्ट्री खोलेंगे, आप बाहर से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे आपको ये लगता है कि मैं तो इतने में कॉन्ट्रैक्ट कर लूँगा। अब फिर आपको कोई कहता है कि भाई बाद में अगर वो सस्ता आ गया तो, अब जब आप डेवलपमेंट के लिए कोई काम करेंगे तो रिस्क तो सब चीज़ों में होता ही है। या तो फिर आप घर बैठे अपने 100 रुपये महीना कमाते रहो और 100 रुपये में गुजारा करो, लेकिन अगर आपने अपनी डेवलपमेंट करनी है तो आपको फील्ड में आना पड़ेगा, और फील्ड में आने के लिए आपको मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी और आपको जो है वो ज़्यादा। सर किसानों का कहना है कि हमने कभी एमएसपी ये नया कानून मांगा ही नहीं, तो हम पर थोपा क्यों जा रहा है? नहीं, आपकी डेवलपमेंट किसी भी भाई की करना, ये जो आज सत्ता में है, जो हमारी ड्यूटी है कि हमारे भाई हर तरह से डेवलपमेंट हो उनकी। आपको हमने जबरन तो नहीं दिया, हमने कुछ किसानों को उभरने के लिए उनको एक चांस दिया है। वो मना कर रहे हैं कि हम चाहते नहीं है इस एमएसपी जो नहीं। डॉक्टर साहब अभी समस्या का हल क्या है? ना सरकार जुड़ने के लिए तैयार है, ना किसान पीछे। नहीं, बातचीत में निकलेगा ऐसी बात। बातचीत की तो 5 दौर की बातचीत कोई नहीं, कई दफा लंबा भी चलता है, कोई बात नहीं। मन साफ है हमारा किसानों का, किसानों में थोड़ा भटकाव है क्योंकि देखिए टेबल पर बैठकर बात करना भी आप समझाओ, वो तो कहते नहीं जी तीनों कानून वापस करो, अब आ जाएगा समझ में। हम टेबल पर बैठने के लिए, जब कोई आदमी टेबल पर बैठने के लिए तैयार नहीं है वो तो पहले ही कह देता है जी ये तीनों वापस करो। वापस करने से आप सब लोग पत्रकार बंधु हैं, सब लोग इंटेलिजेंट हैं, मैं ये कहता हूँ कि हमने 3 कानून जो बनाए हैं वो जबरन किसी के ऊपर थोपने का कोई उसमें प्रावधान नहीं है। आपको वो 3 कानून ठीक नहीं लगते मान लो, तो आप उनको उनकी ऑप्शन मत करिए। मैं बड़ा सरल भाव से आपसे बातचीत कर रहा हूँ, मेरे को मैं एक कोई भी काम है, मेरे को एक ऑप्शन और दे दी, अब मैं उस ऑप्शन से डर के मैं ये कहूँ कि जी मुझे ये ऑप्शन क्यों और दी, ये तो कोई उचित बात नहीं है। यानी जो पहले खरीद हो रही थी और जिस तरीके से वो मंडी में तरफ यथावत बिल्कुल, आप हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो ये कहा है कि अगर ये एमएसपी अगर खत्म हो गई तो मैं रिजाइन कर दूंगा। जो पहले की व्यवस्था है वो एज सच चलेगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमने ये एक्स्ट्रा चीजें दी हैं देश की डेवलपमेंट के लिए, किसान को ऊंचा उठाने के लिए, किसान को व्यापारी बनाने के लिए, किसान को इंडस्ट्रियलिस्ट बनाने के लिए, किसान को और ऊंचा ले जाने के लिए हमने उसको ऑप्शन दिए। उसे अगर ऑप्शन पसंद नहीं है तो वो रखे। सर किसानों का कहना है कि अगर सरकार हमारी इतनी परवाह करती है तो हमारे साथ इस मिलकर के इस क्यों नहीं डिस्कस किया गया पहले, इस नियम को लाने से पहले हमसे सलाह मशवरा क्यों नहीं किया गया? क्योंकि अगर हमारे साथ सलाह किया जाता तो एक अच्छा कानून बन सकता था, लेकिन कोई सलाह नहीं ली गई, अचानक से इसे पारित करके और लागू कर दिया। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आफ्टरऑल जब ये लोकसभा में आया है तो वहाँ पर डिस्कशन हुई है, आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं वहाँ पर, आपके सब लोग हैं वहाँ, वो सब उनसे बातचीत हुई है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं
incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.